निसिम इज़ेकियल, देखो ये महनाज तो सोई गई, इनका दूसरा कोई नाम वाम नहीं है, मेजर वर्क्स, ये देखो इनके पूछ सकते हैं, टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, ये इनकी कलेक्शंस में से वेल नोन पोएम्स, ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हमको ढंग से करना है, एंटरप्राइज जरूरत नहीं है, नाम पता होना चाहिए, बैकग्राउंड कैजुअली नाम पता होना चाहिए, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर नाम पता होना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इन चारों में से कौन सा प्ले निसिम इज़ेकियल ने नहीं लिखा है, नलिनी, मैरिज पोएम, द स्लीप वॉकर्स, अब वो चौथा कोई दे देंगे वो इसने लिखा है क्या देंगे, कौन सा मतलब उसने नहीं लिखा है, विच फोर में से, इन फोर में से कौन सा सरोजिनी ने नहीं लिखा है, आपको बताए कि ये इसने नलिनी भी लिखा है, मैरिज पोएम भी लिखा है, स्लीप वॉकर्स भी लिखा है, तो चौथा जो भी होगा वो। क्या कर रहे हो तुम लोग आज, अभी कॉफी का असर होने में टाइम लगेगा, कचौरी भी खा ली, पूड़िया भी खा ली, क्लास में इतना कुछ खा लिया, तो अब यही होगा, अब वो डकार और मार दिया उसने, ए राम, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पद्मश्री मिला है निसिम इज़ेकियल को, पोजीशंस हेल्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला इनको, ये एडिटर ऑफ पेन, बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है उसके ये संपादक रहे हैं, और शुरू भी करने वाले और संपादक भी रहने वाले क्वेस्ट नाम के पत्रिका है, और जनरल रिमार्क्स में याद रखो, फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, भारत आजाद हुआ उसके बाद का जो साहित्य है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, कॉलोनी था ना, उपनिवेशवाद था, तो कॉलोनी थी इंडिया, फिर ये कॉलोनाइजर्स चले गए, अब इन्होंने भारत कॉलोनी नहीं रही उस समय का, पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनियल नहीं, कॉलोनियल, कॉलोनियल नहीं आएगा, डोंट वरी, वो कॉलोनी है, कॉलोनी, कॉ, तुम कहीं से भी वो पांच बार, तुम स्ट्रेस के फाइव रूल्स लगाओ तुम्हें आंसर मिल जाएगा, कॉलोनी, सिंबल्स गड़बड़ रहे होंगे, के से पहले लगेगा, अच्छा तो कॉलोनी के उल्टा ए एल श्वा एन आई कॉलोनी डायग्राम डाई डी ए आई श्वा जी आर डायग्राम श्वा एन डायग्राम दे रखा है हाँ वो हो सकता है हो सकता है डायग्राम मतलब डाई ये वाला तो ए आई श्वा है निफ्तोंगला श्वा है फिर जी आर ए ई बता दें डायग्राम डायग्राम चलो अब इसका जनरल रिमार्क्स फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ये यहूदी रहे हैं जो है ना अब हूज कलेक्शन ऑफ पोएम्स आर दीज द एग्जैक्ट नेम The Unfinished Man, A Time to Change, 60 Poems, सब निसिम इज़ेकियल के हैं। Night of the Scorpion कौन से कलेक्शन का है? Unfinished Man का है। निसिम इज़ेकियल की लिखने की शैली कैसी है? Modern, restrained, संतुलित, conversational, बातचीत की शैली। The Scorpion
Stung the poet's mother on the toe. है ना, पैर में नहीं, एंकल, एड़ी में नहीं, घुटने में नहीं, दो पैर की जो भी होती है. How long had it been? क्या हुआ? How long had it been raining? देखो दो बातें याद रखो, 10 घंटों की बारिश हुई और 20 घंटों तक दर्द नहीं उतरा. 10 घंटों तक तो बरसात हुई है, बिच्छू ने डंक मार दिया, 20 घंटों तक दर्द नहीं उतरेगा. वो ये इस पर एक प्रश्न पूछने की संभावना, फिर वो 10 एंड 20 में कंफ्यूज हो जाओगे कि बारिश 10 घंटे हुई थी या 20 घंटे हुई थी, दर्द 10 घंटे था या 20 घंटे था. 20 घंटे दर्द था, 10 घंटे बारिश हुई. फिर हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग? 10 आवर्स. Where did the scorpion hide? देखो, चावल की बोरी के नीचे, चावल की बोरी के पीछे, चावल की बोरी के पास, चावल की बोरी के अंदर. Where did the scorpion hide? Beneath a sack of rice. Text में है ये लाइन, टेक्स्ट है ये, जो पोएम का टेक्स्ट है ना उसका है ये, डायरेक्ट उठाया हुआ. इसलिए ऐसी चीजें पूछ सकते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता और अपन को याद ही नहीं रहेगा. How long did the mother remain in pain? 20 hours. What did the villagers say about the mother's pain? तुम लोगों को इस पॉइंट का थोड़ा सा आइडिया है या नहीं? अरे बताया होगा, बहुत तेज बारिश होती है, 10 घंटे बारिश होती है. जब बहुत तेज बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, छोटे छोटे जीव जंतु मजबूर हो जाते हैं गड्ढे से निकल निकल कर बाहर आ जाते हैं, छुपते हैं इधर उधर. तो गांव का माहौल है एंड एक छोटे से कच्चे से मकान में ये पिच्छू घुस जाता है, हमारे पोएट और उसकी फैमिली वहां रहती है, और वो पिच्छू जो है मम्मी को, उसके मम्मी को डंक मार के और चावल की बोरी के नीचे जाके छुप जाता है. उसको भी पता है भाई पकड़ा जाऊंगा तो छुप जाता है. अब वो मां करा रही है दर्द के मारे और सारे गांव वालों को पता चल जाता है. तो वो रात का समय है, बारिश हो रही है, लालटेन वगैरह लेके और वो ऐसे ही चल के आ रहे हैं घर के अंदर सब अपने अपने. वो मक्खियों के झुंड की तरह आए. हाँ बता चुकी हूँ, बट कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि उस समय पे ज्वाइन नहीं किया था तो वो मिस कर चुके हैं, तो लेट देम आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे गरिमा ने बहुत लेट ज्वाइन किया है तो उसको पता ही नहीं होगा. गरिमा सुना ही पहले सुन रखा फिर से, चलो ठीक है. अर्जुन ने सुन रखा नहीं सुन रखा, देखो तेरा पेपर. सो इसलिए वो फिर सारे गाँव वाले आ जाते हैं. अब वो गाँव वाले अपने अपने नुस्खे देते हैं, तुम्हें सारे नुस्खे याद होने चाहिए, इनमें से कौन सा नुस्खा नहीं सुझाया गया था, ये क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट लिटरेचर वाले. तो वो चटाई पर पड़ी करा रही है और ये लोग अपने और इसको वो और दे रहे, सांत्वना और दे रहे, कोई बात नहीं तुम्हारे को बहुत तकलीफ हो रही है ना, तुम्हारे इस जन्म के सारे पाप कट जाएंगे. और करती है वो कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में भी जो पाप किए होंगे ना वो भी कट गए. अब उसको और तकलीफ होती है, फिर वो कहते हैं तुम्हारे अगले जन्म के भी कट गए. फिर और तकलीफ होती है तो कहते हैं कि सारे मानव जाति ने जितने पाप किए, संसार में हिसाब होता है ना सारी अच्छाइयों का और सारी बुराइयों का, उसमें बुराई हमेशा भारी पड़ेगा, तुमने आज उसको हल्का कर दिया, तुम्हारे इस दर्द ने उस पाप को घटा दिया. मतलब कर्मों का हिसाब ऐसे हो रहा है, ये मोटिवेशन होगा. ऐसे कहते हैं. फिर वो क्या क्या नुस्खे सुझाते हैं, दुनिया भर के नुस्खे सुझाते हैं, ये पीसो वो कूटो, दुनिया भर का ये मिक्स करो वो करो. और हद तो तब हो गई कि मिट्टी का तेल डाल के उसमें तीली लगा दो और बेचारे वो पोएट के फादर करे. वो एक बहुत रैशनल इंसान है, इन चीजों में विश्वास नहीं करते. अगर वो नहीं करेंगे वो नुस्खा तो गांव वाले कहेंगे कैसा आदमी है, तो इसको पत्नी की परवाह नहीं पड़ी,
उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। और फिर 20 घंटे बाद जब दर्द खत्म होता है तो माँ कहती है अच्छा हुआ मेरे को डंक मारा, मेरे बच्चों को बख्श दिया। और गांव वालों को लगता है आपको तो पता था 20 घंटे में देखो हो गया ना, घंटे हमारे नुस्खे काम आ गए मतलब। सो व्हाट डिड द विलेजर्स से अबाउट द मदर्स पेन? दैट इट वुड बैलेंस कर्मा। लास्ट लाइन पोएम का मदर वाला है, पोएम का लास्ट लाइन मदर वाला है। थैंक गॉड स्कॉर्पियन ने मुझे डंक मारा एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। द पेजेंट्स बस्ट द नेम ऑफ गॉड, क्यों? टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन। वो हिलना डुलना बंद करते वही रुक जाए, पैरालाइज मतलब हिलना डुलना बंद हो जाएगा ना उसका, वही अटक जाएगा ना पैरालिसिस में। The poison of the scorpion would purify the mother's flesh of exactly line a desire and ambition. तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो, कोई आकांक्षा हो, वो सब खत्म हो जाएगा भी इस दर्द में। यही लाइन है। The poet's मतलब क्या क्या? The poet's father was a skeptic and a rationalist. Okay. S-K-E-P-T-I-C. अगर ऑप्शन में एस सी ई पी टी आई सी गलत हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पता है सी के बाद ही आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन सेप्टिक होता है, वो सेप्टिक वेप्टिक हो जाता है ना। स्केप्टिक शंकालु। He risked the rain again. He कौन है? स्कॉर्पियन है, पोएट है, पोएट्स फादर है, गांव वाला है स्कॉर्पियन। जैसे ही मौका मिला वो तो बार भाग गया। What was done as a last resort to give relief to the mother? माँ को राहत देने के लिए क्या किया गया? मिट्टी का तेल डालकर तीली लगाई गई। Paraffin oil was poured on the toe and a match applied to it. The peasants came like swarms of फ्लाइज होगा। एक बार जस्ट चेक करना मुझे टेक्स्ट में फ्लाइज ही आ गए। फ्लाइज ही है। एक बार जस्ट टेक्स्ट ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डालो वैसे फ्लाइज ही है। फ्लाइज मक्खियों के झुंड की तरह। द पोएट्स मदर ओनली सेड फ्लाइज है ना, हाँ भाई, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। Which of the, वो चाइल्ड आएगा, हस्बैंड आएगा, चिल्ड्रन आएगा, यू शुड नो चिल्ड्रन। Which of these was not tried as a remedial measure to ease the mother's pain? Curse and blessing, हाँ, powder mixture, हाँ, herb and hybrid, हाँ, paraffin oil, हाँ, pain killing tablet, no. Clear है? बंद कर दो।